होते हैं फ्रेंड्स, ये तो ऊपर से दिखाता हूँ आपको, जूम करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको मैं। फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ राम दरबार शीश महल। फ्रेंड्स लड्डू गोपाल हैं। फ्रेंड्स आपको मैं एक अद्भुत चीज दिखाता हूँ, बहुत प्यारी मंदिर, राम नाम का ये राम नाम का पत्थर दिखाता हूँ। राम नाम का पत्थर जो रामेश्वरम से मंगवाया गया है, राम सेतु पत्थर के दर्शन कर पुण्य की भागी बने। 21 किलो 800 ग्राम जो पत्थर है, 21 किलो 800 ग्राम का मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। फ्रेंड्स मैं कोशिश करता हूँ आपको पास से दिखाऊँ। राम नाम का पत्थर है ये, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये रामेश्वरम से मंगवाया गया 21 किलो 800 ग्राम राम सेतु पत्थर के दर्शन कर पुण्य के भागी बने। आप भी पुण्य के भागी बन जाइए फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये इसमें पानी भी भरा हुआ है और आप देख सकते हैं पत्थर जो है नीचे टच नहीं है, ये पूरा ऊपर उठा हुआ है, पूरा पानी में तैर रहा है पत्थर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्के पड़े हुए काफी सारे, ये भी लिखा हुआ भी है, राम सेतु पत्थर के दर्शन कर पुण्य के भागी बने 21 किलो 800 ग्राम जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अद्भुत है फ्रेंड्स, ये तो ऊपर से दिखाता हूँ आपको, जूम करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको मैं। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से पत्थर है, ये डॉटेड है इसके अंदर, ये देखो। यहाँ पे वीडियो शूट करते हैं या कैमरा से कुछ भी यहाँ पे शूट करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज देने पड़ेंगे एज अ दान पात्र में, मतलब एक चैरिटी के नाम पे देने पड़ेंगे दान पात्र। यहाँ पे कृपया भगवान की वीडियो में दान पात्र में डालें, अब 10 रुपये देने, ओनली 10 रुपये में आपको सारा मंदिर जो कवर करने को मिल जाएगा, ओनली 10 रुपीज। राम का जो पत्थर है यहाँ पे, राम नाम का सेतु का पत्थर यहाँ पे बहुत यूनिक है फ्रेंड्स, आप जरूर आइए हरिद्वार। मैं तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, मैं इससे पहले नहीं विजिट किया था, मैंने किसी ने बताया था मेरे को भी कि यहाँ पे जरूर विजिट करना, और गौ सेवा के लिए भी आप यहाँ पे दान कर सकते हैं। पूरा मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है, बहुत यूनिक मंदिर है, पूरे इसमें कांच का वर्क हुआ है, पूरा जो डिज़ाइन है इसका इंटीरियर बहुत ही प्यारा है, हर जगह कांच ही कांच लगे हुए हैं, हर जगह कांच ही कांच, पूरा बहुत प्यारा बना हुआ है। ज़रूर आइए आप यहाँ पे अगर आते हैं हरिद्वार में।